नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मैं पालक को अच्छी तरह से साफ करके धो के और इसको अच्छी तरह से हमने उबाल लिया है। उबाल के ये देखिए हमने इसकी प्यूरी बना ली है और हमने एक तरफ पैन भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। प्यूरी हमारी देखिए कितनी फाइन प्यूरी बनी है पालक की, इसको हमने पीस के ले लिया। इधर हमारा पैन देखिए गरम हो चुका है, इसमें अब हम जीरा डाल देते हैं। आधा चम्मच हमने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा देखिए पक चुका है। अब इसमें हमने मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच पेस्ट डाल दिया है। इसको अब हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। ये भी हमारा लगभग पक चुका है। अब इसमें हमने एक प्याज की प्यूरी बना के डाली है। एक प्याज हमने फाइन चॉप ग्राइंड कर लिया था, उसको डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से पीसेंगे। इसमें आधा चम्मच हमने हल्दी भी डाल दी है और हम हल्दी को मिलाते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम दो टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं। हमें इसमें ज़्यादा प्यूरी नहीं डालनी, दो टमाटर लगभग डालने हैं उनकी प्यूरी बना के, और इनको हम अच्छी तरह से इसको भून लिए हैं। अब इसमें हमने बेसन का दही के साथ, एक चम्मच बेसन को दही के साथ घोल बनाया था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको अब हम अच्छी तरह से पकाएंगे और एक चम्मच हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। इसको हम ये देखिए हमने एक चुटकी हींग भी डाली है। और अब हम इस प्यूरी को जो हमने पीस के रखी है पालक की, उसको हमने ऐड कर दिया है और इसको हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए हमने खूब अच्छी तरह से चलाते हुए इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमारी पालक अच्छी तरह से पकने लगी है। देखिए अब इसमें हम थोड़ी देर के लिए लीड लगाएंगे। उसके पहले हम इसमें एक से डेढ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब पकने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना। ये देखिए हमने लीड भी लगा दी है। अब हमारी पालक देखिए अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो गई है। इसमें आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाल दिया है और उसको अच्छी तरह से मिला दिया है। अब ये देखिए हम पनीर के टुकड़े हमने जो काट के रखे थे वो पनीर भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और इसको अब हम चलाते हुए ढक के अब रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे, जिससे पनीर का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए पनीर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए आप होटलों और रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आप अपने घर पर पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।